Yesterday we have seen arithmetic progression, practice set 3.3. In that we have seen what we have seen. We have seen some questions related to the sum of nth term. Okay, sum of nth term. In that we have seen the last question was the activity based question, question number 5. That the numbers between how many numbers are there in between 1 to 140 which are divisible by 4 and find their sum. ओके तो हमने उसमें स्टेप देखा था, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को क्या करना है, जो एक्टिविटी है एज इट इज आप उसको कॉपी कर लो एंड आफ्टर डूइंग कॉपिंग आप उसको क्या करो कहीं सेपरेटली सॉल्व करो एंड व्हाट एवर इज द बॉक्सेस आर देयर एम्प्टी स्पेसेस आर देयर जस्ट फिल इट बिकॉज देयर यू विल नॉट गेट स्पेस टू सॉल्व. ओके नाउ वी विल डू द सम हायर ऑर्डर क्वेश्चन. हॉट क्वेश्चन आर देयर. नाउ सी द सम. नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. Sum of first 55 term is 3300. Find its 28th term. देखो ये हॉट क्वेश्चन है. आस्क्ड फॉर 3 marks और 4 marks. आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा ही, आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा. ओके अभी बार बार आप लोग लेफ्ट मत हो जाओ और इन मत हो गेटिंग डिस्टर्ब. अब इसके बाद इन करने के लिए बैठेंगे तो पढ़ाएंगे कब आप लोगों को. ऑलरेडी इट्स टू लेट. Sum of first 55 term is 3300. Find its 28th term. Okay, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी मुझे फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, अब उससे क्या पूछ रहा है, T28 पूछ रहा है. एंड आई हेलो सुबह मैम. यस सबा मैम. हेलो हेलो. एम आई ऑडिबल? यस मैम. सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन आई थिंक सो. ओके. So 3300 into 2 upon 10. Now let's see again.
Sum of all 55 terms is 3300, find its 28th term. अभी आपने क्या किया, आपको पता नहीं है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है. ओके, सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज बी. ओके, अभी हमें पता है सिर्फ, हमें सिर्फ एक वैल्यू पता है, दैट इज L55. ओके, हमें उसके बाद कुछ भी नहीं पता है. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, T28. TN, इफ यू विल यूज द फॉर्मूला TN, A प्लस N माइनस 1 डी, यू विल रिक्वायर A, यू विल रिक्वायर D. ओके, बट यू डोंट नो A एंड D. So we will try to sort out the how to solve this question. This is a static question, higher order thinking question. So you have to think about that. Okay? Now see here. So हमने क्या किया? हमें जो पता था, हमें क्या पता था? हमें सिर्फ S55 पता था. That is 3300. हम क्या करेंगे? SN का formula लिखेंगे. N by 2 under bracket 2A plus N minus 1D. ठीक है? हम ये लिखेंगे. उसके बाद whatever values we know the value of N only. So we write down the value of N, that is 55. Again 55 upon 2. 2A plus 55 minus 1D. Okay. Now write down the value of S55. 3300 is equal to 55 upon 2. 2A plus 55 minus 1, 54D. हमें यहाँ तक सॉल्व किया. अब हमें क्या करना है, 55 is not divisible by. So we'll take this whole term from right hand side to left hand side. So ये 55 upon 2 है, it will become 2 upon 55. ये क्या हो जाएगा, reverse हो जाएगा. यहाँ पर reverse हो, 2 upon 55. ठीक है? Now we cancel it with the 11. 11 times the 55. 11 threes are 33. 0 and 0. 5 ones are 5. 5 six are 30. 5 zeros are 3. We got 60. And here into 2 is equal to 2a plus 54d. Now what we can do over here? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? We can take out 2 as a common. तो हम common निकाल सकते हैं. Because 54 के पास अगर आप 2 निकालो common तो देखिए क्या बचेगा? 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 sevens are 14, 27. Means 27 twos are 54 होता है. 27 twos are 54. So 2 and 2 will be common. Write it as it is, 16 to 2. 2 is common. Write down in the bracket A plus 27D. ठीक है, अभी हमने यहाँ से 54 में से 2 निकाल लिया है. So what will be remain over here? 27 and D. Now these 2 and 2 will cancel. क्योंकि ये 2 multiplication है. तो जाकर divide करेगा तो cancel हो जाए. So we will get 60 is equal to A plus 27D. Now this is equation number 1. इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ना तो हम डिवीजन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. मींस वी विल स्टॉप ओवर हियर. जहां तक हम सिंपलीफाई कर सकते हैं हमने कर दिया. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आगे का सॉल्व करना है. अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड इट 28th तक. अब यहां पर हमने S55 था तो हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला SN का यूज किया. T28 है, अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, देखेंगे यहाँ पर. नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट फास्ट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो वी गॉट A प्लस 27D एज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन. मैं इसको यहाँ लिखे रहने देती हूँ. Now T28, part 2. Write down TN is equal to A plus. हालांकि आपको मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली अब लिखने की हैबिट डालने हैं आपको. T28 है ना, 28 minus 1 कितना होता है, 27. तो हमारा आंसर क्या आएगा, A plus 27D. डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो T28 is equal to A plus 28 माइनस 1d. अभी 28 माइनस 1d कितना जाएगा, T28 इज इक्वल टू A प्लस 27d. ये वन स्टेप पर था, देखो डायरेक्टली लिख सकते हो आपको. T28 है, A प्लस 28 माइनस 1, 27d. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सी बोथ इक्वेशन. पहली इक्वेशन क्या हमारी, 60 इज इक्वल टू A प्लस 27d. यहाँ क्या है, T28 इज इक्वल टू A प्लस 27d. मीन वन ऑफ द साइड इज कॉमन. So from 1 and 2,
फ्रॉम वन एंड टू. क्या लिख सकते हैं हम? टी 28 इज इक्वल टू 60. आगे हमारा आंसर ओके, बिकॉज बोथ द राइट हैंड साइड आर इक्वल देयर फोर द लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो इक्वल, क्योंकि इनसे एक एक साइड इक्वल है ना. a plus 27 b, a plus 27 b. Therefore, t 28 is equal to 60. So you got the value of t 28. ठीक है? तो आप इसको दो पार्ट में करो. पहले s 55 को सॉल्व करो. With the help of s formula. क्योंकि s 55 दिया हुआ है, so use the formula of sn. sn is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1b. Now n की वैल्यू just to put up करो, उसको सिंपलीफाई करो. After doing the simplification, you will get 60 is equal to a plus 27. फिर टी 28 है, आप उसको सॉल्व करो. a प्लस एन माइनस वन बी से सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आपको आना चाहिए a प्लस 27. वन ऑफ द साइड इज इक्वल, देयरफॉर द सेकंड साइड इज आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई टी 28 इज इक्वल टू 60. ओके, गॉट इट? ओके, अब देखते हैं आगे. सेवन क्वेश्चन. बिफोर गोइंग टू सेवन क्वेश्चन, मैं आप लोग को जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ. क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी सम ऑफ द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द सम. ओके, अब यहाँ पर आपको कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज बोल रहा हूँ, एक के बाद एक जो टर्म्स आती है हम उसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म. लाइक 1, 2, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म. ओके, 6, 7, 8 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. ओके, 2, 4, 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन टर्म्स. इवन नंबर्स है ना, 2 आफ्टर 2 4 विल कम, नॉट 3, क्योंकि इवन इवन टर्म्स के बारे में है. इवन टर्म्स तो कॉन्सेक्यूटिव इवन टर्म्स. ओके, कॉन्सेक्यूटिव इवन टर्म्स मतलब एक के बाद की. तो यहाँ पर आपको क्या बोले, इन एन एपी सम ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के. अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7, 8 इसमें आपको पहले से सपोज करने के लिए बता दिए कि आपको थ्री टर्म्स आए हैं, तो a माइनस बी है, a है, a प्लस बी है. फोर टर्म दिया हुआ a माइनस बी, a, a प्लस बी, a प्लस 2d. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो फिर ये आपको मेमोराइज करना है. अब करना है आपको, आप इस भरोसे मत रहो कि हाँ ये एग्जाम में आ जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, सपोज करने के लिए तुमसे याद करने की क्या जरूरत. नहीं, वेयर एवर यू आर डूइंग दिस स्टडी आप वहां पर एक चार्ट बना लो. ओके, चार्ट कैसा बनाना है आपको, वेट आई एम शोइंग टू ऑल. आपको ऐसा चार्ट बनाना है, जो फर्स्ट लाइन है दैट इज फॉर थ्री टर्म्स, a माइनस सी, a a प्लस बी, कॉमन डिफरेंस सी आएगा. ओके, उसके बाद है जब फोर टर्म पूछेगा, तभी तो आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर दिया हुआ नहीं रहता तो आप क्या सपोज कर, तो आपको ये सब सपोज करना. तो थ्री टर्म्स के लिए a माइनस बी, a a प्लस बी. फोर टर्म के लिए a माइनस थ्री डी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस थ्री. मतलब आपको हाफ ऑफ द टर्म आपको पॉजिटिव लेना है, हाफ ऑफ द टर्म आपको निगेटिव लेना है. तो इजी होता है कैंसिलेशन में, एक्सेट्रा में. अभी आपको समझ में आया, गलत कैंसिलेशन होगा तब आपको समझ में आएगा. ओके, उसके बाद अगर आपको फाइव टर्म दी है तो a माइनस टू डी, a माइनस बी, a माइनस टू डी. आते हैं ना आप इसको मेमोराइज कर लो और डेफिनेटली बहुत इजी जाएगा इफ यू विल सॉल्व विद दिस अजम्पशन. ओके, इफ यू विल अज्यूम. बट अगर आपको मैंने कहा ना कि अगर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि अभी हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो तब आपको क्या करना है, आपको वही यूज करना है, ये यूज नहीं करना. लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इसको याद कर लो, राइट समवेयर
for three numbers, for four, for five, and for six. Six numbers तो कभी आते ही नहीं है, three, four, five आता है, but still, if it will ask in the last question and all, तो आप उसको कर लेना, okay? So take a screenshot, okay? Okay. Now see. अब हम देखते हैं हमारा सेवन क्वेश्चन. What is the question? In an AP sum of three consecutive terms. Consecutive terms मैंने आपको बता दिए एक के बाद एक. Sum of three consecutive terms is 27. Sum है मतलब addition है इनका, the तीन terms है 27 and their product is 502. And their product is 504. Okay, find the sums. अब आपको already bracket में दिया हुआ है, आपको क्या assume करना है? So what is given to you in the bracket? A minus G, A plus G. तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं assume. Three consecutive terms are A minus G, A plus G. Okay. अब हम यहाँ पर देखते हैं first condition. Sum of three consecutive terms is 27. अभी हम यहाँ तक solve करते हैं. The first part of the question. Second point हमारे start होता है and से. And their product is 504. ठीक है? तो अभी हम पहले first part करेंगे. So according to या as per condition one. Condition one. First condition के अकॉर्डिंग sum of three consecutive terms. Sum करना है a minus g. This is the first term. Plus second term is a. Third term is a plus g. इन तीनों का summation. First term, second term, third term. इन तीनों का sum कितना है? Is 27. Okay? 27. अब हम क्या करेंगे? Okay, let me write at one side. This will be easy for us to solve second condition. Okay, so a minus b plus a plus g is equal to 27. अब हम इसको simplify करते हैं. Minus b plus b will cancel. What will be remain? A plus a. So 3a is equal to 27. A is equal to 27 upon 3. 3 ones are 3. 3 nines are 27. A is equal to 9. अभी आपको मिल गया है A की वैल्यू. अभी आपको चाहिए B की वैल्यू. ओके, अब हम देखते हैं कंडीशन सेकेंड. कंडीशन सेकेंड. सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी? देयर प्रोडक्ट इज 500 एंड प्रोडक्ट विद इनका मल्टीप्लिकेशन. A माइनस बी फर्स्ट सम ब्रैकेट. यू विल यूज द ब्रैकेट फॉर मल्टीप्लिकेशन. A plus G is equal to 502. अभी हमें A पता है ना? A तो हमें मालूम है. So write down 9 minus G. 9 plus G is equal to 502. अब पहले ये हम जो सिंगल लाइन है, ये मल्टीप्लिकेशन में है. ये फ्रॉम वी विल कैरी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ये क्या हो जाएगा? डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पर क्या बचेगा? 9 माइनस जी, 9 प्लस जी. ओके, इसके बाद हम लिखेंगे 504 डिवाइडेड बाय 9. अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45. व्हाट विल बी रिमेन हियर? 5, 9 सिक्स जा 54, है ना? 56 आ रहा है. अब यहाँ पर जो है a प्लस ये किस फॉर्म में? a माइनस जी a प्लस जी. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर b स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लेंगे हम. सो 9 स्क्वायर माइनस b प्लस जी माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ये हम ऐसे सिंपलीफाई करते हैं. ओके, 9 के स्क्वायर कितना? 81 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 56. टेक दिस 56 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और डी को लेकर जाएंगे. 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन कर लो. ओके, सो 81 11 माइनस 6 5,
7 minus 5 2 25 is equal to b square. अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो. Therefore, b is equal to 5. तो आपका वैल्यू आ गया 5. ठीक है, अभी आपका वैल्यू आ गया. a का वैल्यू भी आ गया है और d का वैल्यू भी आ गया. विद द हेल्प ऑफ कंडीशन 1 हमें क्या मिला, a का वैल्यू मिला है. एंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशन 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ d. देखो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी था. सम करना है, d d विल कैंसिल. 3a आर देयर, a plus a plus a, 3a is equal to 27. 3 को हमने यहाँ डिवाइड किया है, it will become 27 upon 3 and a is equal to 9. Okay? अब यहाँ पर देखो, condition second क्या था? कि तीनों का product जो 504 है, तो ना a minus d, a plus d, a की जगह हमें 9 रख दिया है, पहला जो 9 single line है, उसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है, and other two 9s आ गया. So we will brought it into the formula, a square minus b square. फिर हमने क्या किया, 96 को निकाला 81, 56 को हम यहाँ लेकर आए, प्लस से माइनस मूव किया, 81 माइनस 56 25, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. तो डी के वैल्यू भी आ गया हमारे पास 5. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने जो तीन टर्म, सपोज टेक दिस स्क्रीनशॉट, टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम तीनों टर्म्स निकालेंगे. हमने जो सपोज की थी a माइनस b, a a प्लस b हमने सपोज की थी, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है a की और d की. ठीक, देखो हमने क्या सपोज किया था, थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस b, a a प्लस b, a माइनस b, a a प्लस b. a माइनस b मतलब 9 माइनस 5, 9 प्लस 5, 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 14. सो आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14. ठीक है, ये हमारा तीन टर्म आ गया. तो सत्ती कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14. ठीक है, अब हम देखते हैं, कोई डाउट है इसमें, किसी को अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ. तनश, तनश, मानसी जायसवाल, सुमित यादव, यस मानसी, मेरे को चाहिए फोन. टीचर हाँ बोलो. आपने वो 30 कैसे लाया था? 30 कौन सा 30? और टीचर आपने 30 लाया था कैसे? कौन से क्वेश्चन में? सेम क्वेश्चन में टीचर, पहले वाले सब में, इससे पहले वाले सब. हाँ 30 तो आए ही था बेटा, वहां पर तो 60 आया था. क्या हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन था ना, सम ऑफ फर्स्ट 3300, सम ऑफ ए 55 आपने कितना दिया हुआ था, 3300 दिया हुआ था. ठीक है, तो आपने क्या किया, एसएम का फॉर्मूला यूज किया, n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस a माइनस 1. ठीक है, अभी हमने ए 55 रखा है, 55 अपॉन 2, 2a प्लस 55 माइनस 1 इनटू d. ए 55 दिया हुआ है आपको, 3300, ये 55 अपॉन 2 है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम 2 अपॉन 55, चेंज हो जाएगा 2a प्लस 54d. ये 55 माइनस 1 54 हुआ, 11 5 था 55, 11 3 था 33, 11 0 था 0, 11 0 था 0, 5 1 था 5, 5 6 था 30, 5 0 था 0. तो 60 into 2 is equal to, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, this is 27 into 2, 2 will be common, so in the bracket you will get a plus 27 b, this 2 and 2 will cancel, so you will get 60 is equal to a plus 27. अभी हमारा t28 कितना है, t28 is equal to, मैंने बोला था एक माइनस कर दो, a plus 27 b. वन ऑफ, ये इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, तो यहाँ पर वन ऑफ द साइड इज इक्वल, देयरफॉर t28 इज इक्वल टू, ओके समझ में आया.
यस टीचर। हाँ म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तनाज कुछ पूछना है आपको? सुमित यादव, जय खान, सैफ, आज की फासा, बी रेडी। इफ यू आर आस्किंग एनी डाउट, बी रेडी विथ योर डाउट्स। नाउ सी द एट्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द एट्थ क्वेश्चन? फाइंड फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, फाइंड फोर कंसेक्यूटिव टर्म। अच्छे समझ में इसको, ठीक है? रेपी whose sum is 12, whose sum is 12 and sum of third and fourth term is, fourth sum is 14. Okay, अभी यहाँ पे आपको अजीम करने के लिए दिया हुआ सोल्यूशन में, आपको अजीम करने के लिए दिया हुआ है। अभी जो अजीम करने के लिए आपको वही अजीम कर, क्या दिया हुआ है? a माइनस d, a a प्लस d, a माइनस d, a a प्लस d, a प्लस 2d। ये फोर टर्म आपको अजीम करने के लिए। अब देखो यहाँ पर एज पर द कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या है आपकी, क्या है? हूज सम इज 12, फाइंड फोर कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी। हूज सम इज 12 मतलब इन चारों का सम कितना है? 12 है। तो कंडीशन वन, म्यूट करो अपने आपको बेटा, म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर देखो फुल सम इज 12 मतलब इन चारों का जो सम है, व्हाटएवर फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स आते हैं, देयर सम इज 12। तो हम यहाँ पर कंडीशन वन की हमारी a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस d a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये हमारा कंडीशन वन है। क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस डी प्लस डी भी कैंसिल। व्हाट विल बी रिमेन? वन टू थ्री फोर, फोर ए इज देयर, सो फोर ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हम यहाँ से टू कॉमन निकाल सकते हैं, सो टू विल बी कॉमन, इन ब्रैकेट यू विल गेट ए प्लस डी, टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। टू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 12 अपॉन टू, टू सिक्स आर 12, सो टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 6। अभी हम इससे आगे नहीं जा सकते, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, हम इसके आगे नहीं जा सकते। हमारे चार कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, उसका सम कितना था? 12 था। माइनस डी प्लस डी भी कैंसल, ए प्लस ए, ए प्लस ए रिमेनिंग, प्लस टू डी इज रिमेनिंग, सो वी राइट डाउन फोर ए प्लस टू डी, फोर ए प्लस टू डी में से टू हमने कॉमन निकाला है, व्हाट विल बी लेफ्ट देयर? टू ए प्लस डी, टू विल गो देयर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल सिंप्लीफाई 12, वी विल गेट 6, सो वी गेट 2 a plus d is equal to 6 from the condition 1. Okay, now condition 2. Third and fourth term is 14. So condition 2. Third and fourth term means T3 and T4 is 14. अब हमारा third and fourth term क्या है? This is first term, a minus d. Second term is a. A plus d is third term. A plus 2d is ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है. तो T3 एंड T4 का सम कितना है? 14 है. तो a प्लस b प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14. कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है. a प्लस a 2a प्लस b प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14. कुछ भी सिंप्लीफिकेशन भी नहीं होगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, टेक बोथ इक्वेशन एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमें अब a और d की वैल्यू इससे फाइंड आउट करना है, ये दोनों इक्वेशन से. टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन.
2a plus b, 2a plus 3b. 2a 2a कैंसिल हो जाएगा. ओके तो हम यहाँ पे सॉल्व 2a plus b equation 1, 2a plus b equation is equal to 6 equation 1, 2a plus 3d is equal to 14 equation 2. Take both the equation. Okay, take equation 1 and 2. So 2a plus b is equal to 6 equation 1, 2a plus 3d is equal to 14 equation 2. सॉल्व करेंगे हम. टेक सब्ट्रैक्शन साइन. 2a 2a कैंसिल. माइनस 3d प्लस b यू विल गेट माइनस 2d. 14 माइनस 6 यू विल गेट माइनस 8. माइनस माइनस कैंसिल. b इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8. द वैल्यू ऑफ b इज 4. है ना, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी. ओके नाउ पुट इन इक्वेशन 1. इजी होता है, ठीक है, ये हमारे लिए इजी है. पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इजी इक्वेशन है. व्हाट इज इक्वेशन 1? 2a plus b इज इक्वल टू 6, 2a plus 4 इज इक्वल टू 6, plus 4 विल गो देयर बिकम माइनस 6 minus 4. 2a is equal to 6 minus 4, 2. a is equal to 2 upon 2, that is 1. So a की वैल्यू कितनी आ गई? 1. अब हमने जो अज्यूम किया था a minus b, a plus z, a plus 2b, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. a minus b, a plus z, a plus 2b. बहुत इजी है. a minus z, माइनस में आएगा सब. 1 minus 4, a की वैल्यू 1, a plus z, 1 plus 4, 1 plus 2d, 2d means 2 4 जाए. 1 minus 4 minus 3, 1, 5, 9. So minus 3, 1, 5, 9, these are the 4 multiplicative terms. इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका? 2d का डिफरेंस आता है, मैंने आपको बताया है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं उसमें. तो यहाँ पे क्या है, आपको कमांड होना चाहिए कि आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए ऑल द चैप्टर्स आर अरेंज्ड इन द सेम वे, इसी अरेंजमेंट में किया गया उनको, ताकि आप इजीली उसको कर सकते. ओके तो यहाँ पर अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर कमांड है तो इजीली आप उसको कर सकते हैं. ओके सो हियर मैं चलाया वाइडर. मैम आर यू देयर? यस मैम. यस मैम. ओके